और आज हम आए हुए हैं राइस के फील्ड पे। चारों तरफ आप देख सकते हैं, इधर राइस बोया हुआ है, तो 20 से 25 दिन की फसल हो चुकी है। तो यहाँ पे कई सारे इंसेक्ट पेस्ट जो है लगना शुरू हो गए हैं। अभी मैं 2 दिन पहले आया था यहाँ पे, तो मुझे स्टेम बोरर दिखाई दिया, एक आध दो दिखाई दिए। उसके बाद क्योंकि उस समय इसमें पानी नहीं था, तो अभी बारिश हुई है तो पानी हो चुका है फील्ड में। तो उसके बाद स्टेम बोरर तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने देखने की कोशिश की तो यहाँ पे गंधी बग लग चुके हैं। क्योंकि गंधी बग जब लगते हैं तो तुरंत तो अपना असर दिखाते नहीं, लेकिन जब इसमें पेनिकल इनिशिएशन हो जाता है, जब इसमें दाना पड़ने लगता है मिल्किंग स्टेज पे, उस समय दानों का रस चूस के उसमें नुकसान पहुँचाते हैं और उसमें दाना भरने नहीं देते। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उधर फील्ड में कि किस तरीके से यहाँ पे कई सारे, जैसे आप देख सकते हैं सामने वहाँ पे लगा हुआ है, ये गंधी बग ही है देख सकते हैं आप। अगर उसको पकड़ के देखने की कोशिश करेंगे तो आप पहचान सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा अगर जो सिम्टम है देखने का, कि अगर आप पकड़ेंगे इसको इसमें से गंध आती है। मैं ट्राई करता हूँ इसको पकड़ के आपको दिखाने के लिए, क्योंकि पास ले जाते हैं कैमरा हम लोग तो भाग जाता है। ट्राई करता हूँ, उड़ गया इधर मेरे हाथ में आ चुका है, मैं इसको खोल रहा हूँ और ये बहुत जल्दी उड़ जाते हैं और इतना ज़्यादा गंदा स्मेल इसमें से आता है। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए, पकड़ा हुआ हूँ मैं इसको हाथ में, कब तक उड़ेगा देखिए। अच्छे से दिखाइए आप जूम करके जो दिखाई दे, देख सकते हैं ये गंदी बग है किस तरीके से दिखाई दे रहा, और बहुत ही अनप्लेजेंट इसमें से खुशबू आ रही है। दिखाई दिया इसमें साफ, तो वही ये गंदी बग है। तो ज़्यादा अगर आपके खेत में हो जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए इसका शुरुआती दौर पे ही कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने खेत के अगल बगल जो खरपतवार होते हैं उसको हमेशा साफ़ सफाई रखें, और इसके साथ साथ केमिकल्स भी कई सारे आते हैं जिसको आप स्प्रे ले सकते हैं। तो रिकमेंड मैं नहीं करूँगा केमिकल का, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती तभी आपको करें, नहीं तो इसको साफ़ सफाई अगर खेत में रखेंगे तो कंट्रोल हो सकता है। तो देख सकते हैं उड़ने की कोशिश कर रहा है ये बहुत तेज़ी से, और बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल इसमें से आ रहा है। देखिए गंदी बग ही है देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जीटी टीवी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किस पे किस टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देंगे चैनल पर आप नए हो तो।